आज हम बनाएंगे बिल्कुल बाजार जैसे मोमोज घर पर ही। आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से मोमोज की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही कम टाइम में इतने सारे मोमोज बन करके तैयार हो जाते हैं। हे एवरीवन, वेलकम टू साविस किचन। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मोमोज बनाने के लिए हमें यहाँ पर पत्ता गोभी चाहिए, लहसुन और प्याज और गाजर चाहिए। अगर आपके पास ये सब चीज़ें नहीं हैं तो आप पत्ता गोभी भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर पत्ता गोभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी चीज़ों को आप यहाँ पर स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पत्ता गोभी को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है वॉश करके, और गाजर को भी मैंने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। तो सभी चीज़ों को हम एक साथ में मिला देंगे। तो देखिए, इस तरह से हमें यहाँ पर कद्दूकस की हुई गाजर को इसमें डाल देंगे, और मैंने प्याज को भी अच्छे से कद्दूकस कर लिया था। तो देखिए, सभी को हम यहाँ पर एक बर्तन में डाल देंगे, और डालने के बाद अब हम यहाँ पर ऐड करना है नमक। नमक डाल देंगे हम यहाँ पर 2 चम्मच के करीब, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। नमक डालने से जो सब्ज़ी के अंदर एक्स्ट्रा पानी है वो अच्छे से रिड्यूस हो जाएगा। तो देखिए, इस तरह से हमें अच्छे से मिक्स कर देना है, और मिक्स करने के बाद अब हमें इसको रख देना है रेस्ट के लिए 30 मिनट के लिए। तो इसमें जो भी पानी होगा वो अच्छे से निकल जाएगा। तो चलिए, अब हम इसको रख देते हैं ढक करके। तो चलिए, जब तक हम यहाँ पर आटा लगा लेते हैं, तो मैंने यहाँ पर 2 कटोरी मैदा लिया है। आपको जितना बनाना हो उस हिसाब से आप यहाँ पर मैदा ले सकते हैं। अब हमें यहाँ पर डालना है 1/2 छोटी चम्मच नमक। ज़्यादा नमक हम यहाँ पर नहीं डालेंगे। 3 चम्मच अब हम यहाँ पर डालेंगे ऑयल। तो मैं यहाँ पर रिफाइंड ऑयल ले रही हूँ, आप कोई भी ले सकते हैं। ऑयल डालने के बाद अब हमें इसको अच्छे से मैदा के अंदर इस तरह से मिक्स कर लेना है। तो देखिए, अच्छे से हमें इसको मिक्स करने के बाद अब हमें यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक डो तैयार कर लेना है। तो ज़्यादा पानी एक बार में नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हमें यहाँ पर पानी डालना है और इसका एक डो बना करके तैयार कर लेना है। जैसा हम पूरी के लिए आटा लगाते हैं उसी तरह का हमें यहाँ पर आटा लगा करके तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर ज़्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ा हमें यहाँ पर टाइट ही लगाना है। तो देखिए, हमारा डो बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसको अच्छे से हमें इसको चिकना कर लेना है, इस तरह से मसल मसल के। तो देखिए, हमारा जो डो है बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है। अब इसको रख देंगे 30 मिनट के लिए ढक करके। तो जब तक हमारा आटा तैयार होता है तब तक हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं हमारी सब्जियाँ। तो देखिए, 30 मिनट हो चुकी हैं और बहुत ही अच्छे से पानी छोड़ दिया है सब्जियों ने। अब इसको हमें हाथों से इस तरह से निचोड़ते जाना है। आप चाहे तो किसी कपड़े में भी डाल करके इसको निचोड़ सकते हैं। इसका सारा पानी हमें अच्छे से निचोड़ लेना है, और इसको एक बर्तन में निकाल करके रख लेना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर सारी सब्जियों को अच्छे से निचोड़ करके रख लिया है, और जो सब्जियों का पानी बचा आप इसको यूज कर सकते हैं, बहुत ही हेल्दी होता है। तो आप इसको आटा गूंदने में भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए, मैंने यहाँ पर सभी को तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर एक कढ़ाई लेंगे, और कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लेना है, और 1 चम्मच हमें यहाँ पर ऑयल डालना है। तेल को अच्छे से गर्म कर लेना है। जब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हमें यहाँ पर 4 से 5 लहसुन की कलियों को बारीक काट लेना है, और वो डाल देंगे। इसको अच्छे से भुनने देंगे। तो देखिए, हमारा लहसुन जो है अच्छे से भुन चुका है। अब हमें यहाँ पर बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डालनी है। मैंने यहाँ पर 3 से 4 हरी मिर्ची ली है। अगर आप कम मिर्ची खाना पसंद करते हो तो आप यहाँ पर इसको स्किप भी कर सकते हैं, या फिर कम भी डाल सकते हैं। तो देखिए, अब हमें यहाँ पर डालनी है सारी सब्जियाँ जो हमने अच्छे से निचोड़ के रखी थी, उसको डाल देंगे, और इसको अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पर सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब यहाँ पर कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो नमक आप यहाँ पर थोड़ा सा कम ही डालें, क्योंकि हमने पहले नमक डाला है। तो मैं यहाँ पर 1/2 छोटी चम्मच नमक डाला है, और 1/2 छोटी चम्मच हमें यहाँ पर काली मिर्ची पाउडर डालना है। बस इतना ही डालेंगे, और कुछ भी हमें यहाँ पर नहीं डालना है। तो हमारी जो फीलिंग है मोमोज़ की वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसको 2 मिनट के लिए हमें भूनना है, ज़्यादा देर के लिए नहीं भूनना है। इससे जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, और जो स्टफ़िंग है बहुत ही अच्छे से हमारी तैयार हो जाएगी। तो देखिए, हमारी स्टफ़िंग बिल्कुल तैयार है। गैस की फ्लेम को यहाँ पर हम बंद कर देंगे, और एक बर्तन में इसको निकाल करके हमें रख देना है। देखिए, मैंने यहाँ पर एक बर्तन में निकाल करके इसको रख दिया है। फिलिंग को थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। तब तक हम यहाँ पर अपना आटा चेक कर लेते हैं। तो देखिए, हमारा आटा बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है, बहुत ही सॉफ्ट। इसको 1 मिनट के लिए और अच्छे से हमें इस तरह से मैश कर लेना है। तो देखिए, अब आटा बिल्कुल तैयार है। अब हमें यहाँ पर इसकी लोइयाँ तोड़नी है। तो मैं यहाँ पर 2 तरह के मोमोज़ बनाऊँगी, एक बिल्कुल छोटे साइज़ के और एक मीडियम साइज़ के।
तो आपको जिस भी साइज़ के मोमोज बनाने हो आप उस हिसाब से यहाँ पर लोइयां तोड़ सकते हैं, छोटे बड़े जैसे भी आपको पसंद हो। तो मैं यहाँ पर कुछ मीडियम साइज़ की और कुछ छोटी लोइयां यहाँ पर तोड़ करके तैयार कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पर सारी लोइयों को तोड़ करके तैयार कर लिया है। लोइयां तोड़ने के बाद इस तरह से हमें इसको तैयार कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर सभी लोइयों को तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम यहाँ पर मोमोज़ बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पर एक चकला लेना है और इसको जितना पतला हो सके उतना हमें यहाँ पर इसको पतला पतला बेल लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसको अच्छे से बेल करके तैयार कर लिया है। अब हमें इसके अंदर फिलिंग भरनी है, तो जितनी भी आए आप उतनी भर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 2 चम्मच भर रही हूँ। इस जितनी हम ज़्यादा फिलिंग भरेंगे उतना ही टेस्ट अच्छा आएगा। तो यहाँ पर हमें सब्जियों को ज़्यादा ही भर लेना है और इस तरह से हमें इसको अच्छे से फोल्ड करते जाना है और इसको लॉक कर देना है। तो देखिए बहुत ही ईजीली हो जाता है। इस तरह से हमें सारे जो मोमोज़ हैं उसको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो देखिए मैंने इसको अच्छे से लॉक कर दिया है। तो देखिए बहुत ही आसानी से लॉक हो जाते हैं और ये खुलते भी नहीं हैं। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पर बाकी के सभी मोमोज़ को भी तैयार कर लिया है। तो देखिए मैंने यहाँ पर कुछ मीडियम साइज़ के और कुछ मैंने यहाँ पर छोटे साइज़ के मोमोज़ बनाए हैं। तो आपको दिख रहे हैं ये वाला बड़ा साइज़ है और इधर जो मैंने साइड में रखे हुए हैं ये वाले छोटे साइज़ के हैं। तो चलिए अब इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए हमें यहाँ पर इस तरह का कोई भी जाली वाली छलनी लेनी है, या फिर आपके पास कोई स्टीमर है तो आप स्टीमर में भी बना सकते हो। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप इस तरह से बना सकते हो, बहुत ही अच्छे बनते हैं। इसको हमें ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेना है जाली को और इसमें सभी मोमोज़ को हम अच्छे से सेट कर देंगे। तो एक बारी में हमारे मोमोज़ नहीं बनेंगे, हमें यहाँ पर 2 बारी में करके बनाने होंगे। तो देखिए इस तरह से हमें इसको अच्छे से सेट कर लेना है। अब हमें यहाँ पर एक कढ़ाई लेनी है और उसमें 1.5 गिलास के करीब पानी डाल करके उसको पहले से अच्छे से उबलने देना है। तो मैंने पहले से ही रख दिया था और हमारा जो पानी है बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हमें यहाँ पर फटाफट से कढ़ाई के ऊपर जाली को रख देना है और इसको ढक करके हम 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे। बहुत ही अच्छे से हमारे मोमोज़ पक करके तैयार हो जाएंगे। गैस की फ्लेम हमें यहाँ पर मीडियम ही रखनी है। तो चलिए जब तक मोमोज़ पक कर के तैयार होते हैं तब तक हम यहाँ पर चटनी की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 7 से 8 साबुत लाल मिर्ची ली है और इसको इस तरह से हम गर्म पानी में ढक करके रख देंगे थोड़ी देर के लिए। इससे जो है बहुत ही अच्छे से हमारी मिर्ची फूल करके तैयार हो जाएगी। अगर आप कम मिर्ची खाना पसंद करते हैं तो आप यहाँ पर कम भी डाल सकते हो। तो मैंने इसको 5 मिनट के लिए भिगो करके रख दिया था। तो 5 मिनट हो चुके हैं, हमारी मिर्ची अच्छे से फूल करके तैयार हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर एक ग्राइंडिंग जार लेना है और इसको इसमें डाल देना है मिर्ची को। अब हमें यहाँ पर रफली चॉप किए हुए 3 टमाटर मैंने यहाँ पर लिए हैं, उनको थोड़ा सा रफली चॉप कर लिया था। 5 से 6 हमें यहाँ पर लहसुन की कलियाँ लेनी है और थोड़ा सा हमें यहाँ पर डालना है सिरका। तो मैं यहाँ पर 3 बड़े चम्मच सिरका ले रही हूँ। इससे टेस्ट बिल्कुल बाजार जैसी चटनी का आएगा, बहुत ही टेस्टी हमारी चटनी बन करके तैयार होगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर सिरका भी डाल दिया है। अब कुछ भी नहीं करना, बस हमें यहाँ पर नमक डालना है टेस्ट के अनुसार और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। तो चलिए ब्लेंड कर लेते हैं। तो देखिए बहुत ही स्वादिष्ट हमारी चटनी बन करके तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं बिल्कुल बाजार जैसी हमारी चटनी घर पर ही बन करके तैयार हो चुकी है। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं एक बर्तन में। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसको निकाल लिया है, बहुत ही टेस्टी चटनी हमारी बन गई है। तो चलिए मोमोज़ को भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छे से हमारे जो मोमोज़ हैं बन करके तैयार हो चुके हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे मोमोज़ पक गए हैं? तो इनका जो है ऊपर का कलर है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह का कलर आ जाएगा। तो हमारे मोमोज़ बिल्कुल अच्छे से पक करके तैयार हो चुके हैं। अब हमें इसको निकाल देना है एक बर्तन में और वापस से इसको ऑयल से ग्रीस कर लेना है और जो बाकी के मोमोज़ बचे हुए थे उनको भी इसी तरह से अच्छे से सेट कर लेना है। तो अब मैंने यहाँ पर सभी मोमोज़ को सेट कर लिया है, 2 बार में करके मैंने यहाँ पर बनाया है। इसको वापस से 10 से 15 मिनट के लिए ढक करके रख देंगे। तो देखिए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और हमारे मोमोज़ बिल्कुल बन करके तैयार हो चुके हैं। तो चलिए इनको भी निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो देखिए बहुत ही परफेक्ट हमारे मोमोज़ बन करके तैयार हो चुके हैं। तो मैंने यहाँ पर सभी को बाहर निकाल लिए हैं। तो चलिए सर्व करते हैं गर्मा गर्म मोमोज़ बहुत ही टेस्टी चटनी के साथ। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर
तोड़ करके दिखा देती हूँ कितने सॉफ्ट और कितने टेस्टी हमारे मोमोज बन करके तैयार हुए हैं। तो आपका जब भी मन करे तभी आप इसको फटाफट से घर पे बना करके खा सकते हैं। इतने कम टाइम में इतने सारे मोमोज हमारे घर पर ही बन करके तैयार हो जाते हैं, तो आपका जब भी मन करे आप तभी घर पर बना कर खाएँ, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो अपने सभी दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। तो देखिए मैंने यहाँ पर छोटे वाले मोमोज को अलग रखा हुआ है और बड़े वाले को अलग, तो जो भी साइज आपको पसंद हो आप उसी तरह से यहाँ पर बना सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।